सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए स्वास्थ्य विभाग में एक और नई भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर 2141 खाली पदों पर भर्ती होने जा रही है। स्टाफ नर्स, ANM, JNM, फार्मेसिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, चिकित्सा अधिकारी और भी अन्य पद हैं जिन पर आवेदन करने के लिए आपके पास सुनहरा अवसर है। 12वीं पास, डिग्री धारक या फिर डिप्लोमा धारक कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसीज हैं, सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिस की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है, जहाँ पर पोस्ट के नाम है स्टाफ नर्स, ANM, JNM, फार्मेसिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और भी अन्य पद हैं जिनके लिए यहाँ पर भर्ती होने जा रही है। 2141 वैकेंसीज है जिन पर आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम 12वीं क्लास पास होना जरूरी है या फिर उनके पास कोई मेडिकल डिग्री या फिर डिप्लोमा होना आवश्यक है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। आयु सीमा यहां पर आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल रखी गई है। सैलरी आपको 7000 से 22700 के बीच में पोस्ट वाइज प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाकी की डिटेल आप नोटिस से चेक कर सकते हो। फीस की अगर बात की जाए तो कैटेगरी वाइज आप फीस जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और OBC के लिए ₹150 आवेदन शुल्क है। वहीं पर SC और ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए किसी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री वे आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। वेबसाइट है health.bih.nic.in। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती की सभी डेट्स जल्द ही घोषित कर दी जाएंगी। अब हम आपको इस भर्ती की ऑफिशियल न्यूज़ दिखा दें। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में 2141 नए पदों पर की जाएगी नियुक्ति। स्वास्थ्य विभाग में 2141 नए पदों पर नियुक्ति होगी। इन पदों के सृजन पर कैबिनेट ने मंगलवार को मोहर लगा दी है। 5 मेडिकल कॉलेजों में नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी आदि के सुपर स्पेशलिस्ट विभाग स्थापित हो रहे हैं, जिनके लिए 1896 पदों का सृजन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तीसरे चरण में दरभंगा और मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज तथा चौथे चरण में पटना, भागलपुर और गया मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट विभाग खुलेंगे। 8 कार्यरत और 9 प्रस्तावित अर्थात कुल 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ENT विभाग के लिए 34 पदों के सृजन की भी मंजूरी मिली है। 6 अनुमंडलीय अस्पताल यथा पूर्वी चंपारण के रक्सौल, सिकरहाना, ढाका दरभंगा के बिरोल, खगड़िया के गोगरी, सुपौल के बीरपुर और त्रिवेणीगंज में प्रथम चरण में 50 बेड वाले भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा शिक्षा निदेशालयों के लिए 111 पदों का सृजन भी किया जाएगा। इन पर भी मिली है स्वीकृति। बक्सर मेडिकल कॉलेज की स्थापना को भूमि का हस्तांतरण, डुमरान अंचल में पशुपालन विभाग को 25 एकड़ भूमि हस्तांतरित की जाएगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में 29 व हर जिले में 3-3 पदों का सृजन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी स्वास्थ्य विभाग की इस भर्ती की पूरी जानकारी। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF को ओपन करके पूरी डिटेल आप उसमें से रीड कर सकते हो। प्लस यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी प्रोवाइड कराया गया है, जिसके माध्यम से आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।